सभी को सादर प्रणाम। मैं पंडित कमल किशोर, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में रक्षाबंधन के बारे में कि 2022 में रक्षाबंधन कब है तथा शुभ मुहूर्त कब है। अब एक क्वेश्चन जो आता है कि रक्षाबंधन क्या है। रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति के अनुसार अगर देखें तो यह रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहनों के प्रतीक है। भाई बहनों को समर्पित यह त्यौहार रहता है तथा हर वर्ष श्रावण के पूर्णिमा तिथि में, जब भी श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि होगी तब यह त्यौहार मनाया जाता है। इसमें अनेकों कहानियां निकलती हैं, जैसे इंद्र देव संबंधी कहानियां हैं, राजा बलि व लक्ष्मी माता संबंधी कहानियां हैं तथा संतोषी माँ से संबंधित हैं, कृष्ण व द्रौपदी से संबंधित कहानियां निकल कर आती हैं और सिकंदर वो राजा पुरु से संबंधित निकल कर कहानियाँ आती हैं तथा रानी कर्णावती वो हुमायूं की कहानियाँ भी निकल कर आती हैं। तो अब हम जानेंगे रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्यौहार बहन का भाई के प्रति तथा भाई का बहन के प्रति प्यार को दर्शाता है, सम्मान को दर्शाता है। तो अब हम जानेंगे इस वर्ष श्रावण माह में पूर्णिमा कब पड़ रही है। देखा जाए तो सभी के मनों में इस वर्ष यह दुविधा है कि इस त्यौहार को 11 अगस्त को मनाया जाए या 12 अगस्त को मनाया जाए। 11 अगस्त को श्री सत्यनारायण व्रत भी है। 11 अगस्त को सुबह 10:39 से यह शुभ मुहूर्त स्टार्ट है तथा 12 अगस्त सुबह 7:05 पर यह समाप्त होगा। अब 11 अगस्त को भद्रकाल की छाया होने के कारण यह बहुत से लोग इस त्यौहार को 12 अगस्त को भी मना रहे हैं तथा पंचांग के अनुसार अगर हम देखें, रामदत्त पंचांग के अनुसार अगर हम देखें, पूर्णिमा 12 अगस्त को है, 12 अगस्त को ही पूर्णिमा की तिथि है तो यह त्यौहार भी 12 अगस्त को ही मनाया जाएगा। तो हमारी जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।